प्यारे विद्यार्थियों, आप छंद कर रहे हैं। छंद होंदा की है, तुसी कर चुके हो इस तो पहले वीडियो दे विच। आज असी दूसरी वीडियो दे विच छंद केड़े-केड़े है तो उन्हां दे विच असी सब तो पहला जिहड़ा छंद करन जा रहे हो है कपैत छंद। कपैत छंद की होंदा तां आप पहला वर्णिक छंद करन जा रहे हैं। आप पहला कर चुके हो वर्णिक ते मात्रिक छंद होंदे है, लघणिक छंद होंदे है। असी अज वर्णिक छंद करन जा रहे हैं तां कपैत इक वर्णिक छंद है, ठीक है। कवित दे विच लंबियां चार तुकां हुंदियां, हर तुक दे चार चरण हुंदे आ, और चार चरणां दा जिहड़ा जोड़ आ, जिहड़ा तुकां दे मेल तों बाद दा जोड़ बणदा वर्णां दा, ओह 31 दा 32 हुंदा। तुड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 7, जिद्दां असीं कविता लई आ धनी राम चाचे दी कतराणे लुट पुट नंग कर छड्डे रुख, हो गए निहाल अज पुंगर के डांगिया। इस कविता के आधार पर अभी जो कवित छंद की गल कर रहे हैं तो ये चार चरण ने, अर्थ विश्राम ने, चार मतलब तीन अर्ध विश्राम, चौथा जरा पूर्ण विश्राम। हर तुक दे विच चार विश्राम, तो चार तुकों दे विच अर्थ विश्राम। सो अभी पहले दो तुकों की गल करांगे कि यह गिनती किदां होई जाए, गिनती किदां बने। ककरां ने लुट पुट नंग कर छड्डे रुख, हुण जदों असीं गिनती करदे कि इहदे विच पहलां तां आपां नूं पता होणा चाहीदा कि चार चरण किहड़े किहड़े ने, ठीक है जी। ककरां ने लुट पुट इक चरण हो गया जी, नंग कर छड्डे रुख दूसरा चरण हो गया जी, हो गए निहाल अज इह तीसरा चरण, ते पुंगरे के डालियां इह चौथा चरण। आपां गल कीती कि जिहड़ा कवित छंद आ उहदी निशानी इह होगी कि उहदे पहले तीन चरणों के अठ अठ वर्ण ही हो गए, जिहड़ा चौथा चरण उहदे विच एक घट हो सकता, सत्त हो सकते हैं, अठ भी हो सकते हैं, पर यह ध्यान रखा जाए कि जो पहले तीन चरण एक दो तीन इहदे विच जिहड़े वर्णा की गिनती वह अठ तो नहीं घटेगी, यह अठ ही होगी। चौथे चरण के गिनती जी अठ के बजाय सत्त भी रह सकती है, तो मतलब 31 या 32 हो सकते हैं। आप गिनती करते किवें इह 8 8 8 जोड़ 7 बन के 32 या 31 होंदे आ, तां पहली तुक दा पहला तुकांग पढ़दे आ। इह पूरी तुक आ जी, इत्थों तक तुकांग आ, जिवें पहलां दस्सिया जिथे कौमा लग गई ओह तुकांग आ। तां ककरां ने लुट पुट इहदी गिनती करीए तां इह हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ण हो गए जी इक तुकांग। दूजे तुकांग च 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्थे भी टोटल 8 हो गए जी। हुण आ गए जी तीसरे तुकांग, 1 2 3 4 5 6 7 8 तां इह जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां गल कीती सी कि पहले तीन तुकांगां दे विच 8 8 वर्ण होने जरूरी है, तां इह सही है। हुण असीं गल करदे चौथे चरण दी, जिहड़ा मैं तुहानूं कहा सी सत्त हो सकदे आ, 8 हो सकदे आ। हुण आपां गिनती करदे किन्ने आ, पुंगर के डाले 1 2 3 4 5 6 7, तो इत्थे 7 आ, तो इह उही जोड़ जिहड़ा अपना बन गया 8 8 8 जोड़ 7 वर्ग 31 वर्ग। अगले जी लाइन आ उही इसे कविता दी आ, सेम आ, डालियां पचा वांग कूलियां नूं जिंद पई, आलणे दे बूटां वांग खंभियां पछा लईआं। तां मेरे ख्याल तुहानूं समझ आ गया होवेगा कि कवित छंद की निशानी यह है कि इहदियां चार तुकां होंदियां, चार तुकां दे चार चरण होंदे आ, ठीक है जी, मतलब चार चरण होंदे आ, ठीक है, दो तुकां दे विच, ते जे जिहड़ा चार तुकां लिखेगा तां उह चार तुकां दे 8 चरण हो गए। तां असीं दोहां दी गल करदे आ, ठीक है, कि ककरां ने लुट पुट नंग कर छड्डे रुख, हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां। इत्थों तक जिहड़ी गिनती है इहदे चार चरण चार विश्राम, ठीक है जी, चार तुकांग हो गए और इन्हां दी गिनती जिहड़ी आ उह 31 हो गई। सो धनी राम चाचे जी दी कविता जी अज इह छंद देखिआ गया कि इह छंद किहड़ा जी कवित छंद आ। तां इस तरीके नाल जे तुसीं गिनती करो वर्णां दी तां तुहानूं क्लीयर हो जाणा किहड़ी कविता दे किन्ने वर्ण आ और उह किहड़े छंद 'च लिखदी आ। उम्मीद आ तुहानूं इह सारा समझ आ गया होवेगा। फिर भी तुसीं अपने क्वेश्चन पुट कर सकदे हो, नीचे दित्ते लिंक दे उत्ते तुसीं अपने क्वेश्चन भेज सकदे हो। धन्यवाद।